निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास इस वर्ष नेमावर की धरा पर होना सुनिश्चित है। इस क्रम में ही 22 जुलाई को नेमावर स्थित श्री सिद्धोदय तीर्थ क्षेत्र में मुनिवर के मंगल चातुर्मास हेतु मंगल कलश स्थापना सम्पन्न हुई। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के मंगल चातुर्मास हेतु भव्य कलश स्थापना समारोह 22 जुलाई को नेमावर स्थित श्री सिद्धोदय तीर्थ क्षेत्र पर आयोजित हुआ। बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश के निर्देशन में हजारों भक्तों ने इस समारोह में सहभागिता की। पूरे देश से गुरु के दर्शन करने और इस समारोह में सहभागिता करने के लिए हजारों भक्तों के साथ मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिवार के सदस्य आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित किए। फिराया शरण मुनिराज की दिव्यवाणी से अभिभूत होने का मुनिवर ने अपनी मंगल देशना के साथ आचार्य श्री गुरुवर की महिमा का बखान किया। हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने महान गुरुदेव मिले, उनकी तपस्या, उनका समर्पण, उनका त्याग। आप सभी श्रावक अपने अपने समर्पण की बात करते हो, अपने अपने द्रव्य के त्याग की बात करते हो, लेकिन जब हम आचार्य भगवान के समर्पण को देखते हैं, आचार्य भगवान के त्याग को देखते हैं, उनकी गहरी निष्ठा को देखते हैं, प्रभु के प्रति उनकी भक्ति को देखते हैं और सिद्धों के प्रति उनका वह अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत वह समर्पण का भाव, तो ऐसा लगने लगता कि वे सिद्ध तो हमें बाद में मिलेंगे, लेकिन वर्षों से हमने उन चलते फिरते सिद्धों को देखा है। आगे मुनिवर ने कहा कि मुनि आकर विराजमान हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि चातुर्मास यूं ही हो जाएगा। सबको सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जिसके लिए एक चातुर्मास कमेटी का गठन होगा। ऐसा नहीं समझना कि मुनि महासंघ की स्थापना हो गई है तो चातुर्मास हो जाएगा, उसमें सभी लोगों को सक्रिय योगदान देना पड़ेगा। तो चातुर्मास का निर्वाह एक चातुर्मास कमेटी बनेगी, वह कमेटी सारी व्यवस्था संभालेगी, चाहे वो आवास की समस्या व्यवस्था हो, चाहे आहार की व्यवस्था हो, चाहे आने वाले यात्रियों की व्यवस्था हो, स्वागत की व्यवस्था हो, प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो। तो जितनी भी कमेटियों का सृजन किया जाएगा, उन सारी कमेटियों के लिए 4 अगस्त को एक विधान के साथ सारी ट्रस्टियों की मीटिंग भी है और एक शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। वह 28 जुलाई को उन सारे संयोजकों को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेना है और 12 से 19 के आसपास सिद्ध चक्र महामंडल विधान की एक बहुत सुंदर भूमिका बनने वाली है। और इस तरह से मुनिवर ने पूरे चातुर्मास में होने वाली गतिविधियों को विस्तार से बताया और पूरी रूपरेखा को स्पष्ट किया और इस प्रकार मंगल कलश स्थापना समारोह सानंद संपन्न हुआ। जैन फोकस के लिए नेमाव मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।